तो हाय एवरीवन दोस्तों, आप सबका फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। और आज वीडियो में बात करने वाले हैं, इंस्टाग्राम स्टोरी में इंग्लिश सॉन्ग आ रहे हैं, हिंदी सॉन्ग नहीं आ रहे हैं और ना ही पंजाबी सॉन्ग आ रहे हैं। अगर आपके साथ भी आपके इंस्टाग्राम अकाउंट में भी ये प्रॉब्लम आ रही है, आखिर इसको फिक्स कैसे कर सकते हैं, कैसे इसको सोल्व करना है, आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे। और गाइस ये चीज मुझे पता है कि इस वीडियो को देखने से पहले आपने मतलब काफी सारे वीडियो देखे होंगे, लेकिन वो सब वीडियो देखने के बाद भी आपकी प्रॉब्लम फिक्स नहीं हुई, ये प्रॉब्लम सोल्व नहीं हुई। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपके इंस्टाग्राम अकाउंट में 100% पंजाबी या फिर हिंदी सॉन्ग आने लग जाएंगे। आप मतलब स्टोरी के साथ हिंदी सॉन्ग को कर पाओगे, फिर पंजाबी सॉन्ग को ऐड कर पाओगे। तो कैसे करना है, क्या करना है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना, तभी आपको समझ में आएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि दोस्तों मेरे चैनल पर आपके लिए इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहता हूं। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड साइड में आपको मोबाइल से दिखा दे रही होगी, तो यहां पर हम सबसे पहले अपने इंस्टाग्राम ऐप को ओपन कर लेते हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में मैं आपको पांच ट्रिक बताऊंगा। पांचवी ट्रिक आपको अपने अकाउंट पर अप्लाई करनी पड़ेगी। आप में से काफी सारे बंदे ऐसा सोच रहे होंगे कि भाई आप सिर्फ एक ट्रिक बताओ, एक ट्रिक से ही हम इसको करना चाहते हैं। तो भाई देखो, सभी के अकाउंट में मतलब सभी का फोन अलग अलग होते हैं, सभी का अकाउंट का मतलब हिसाब अलग अलग होता है। तो ऐसे में हो सकता है कि उन पांच ट्रिक में से आपके अकाउंट पर एक ना एक ट्रिक जरूर काम कर जाए, लेकिन 100% आपके इंस्टाग्राम अकाउंट पर हिंदी सॉन्ग आ जाएंगे, फिर पंजाबी सॉन्ग आ जाएंगे। लेकिन ये आपको पांचों ही ट्रिक अप्लाई करनी पड़ेगी, तभी आपकी इंस्टाग्राम स्टोरी में पंजाबी सॉन्ग आएंगे, फिर हिंदी सॉन्ग आएंगे। तो कुल मिला के इस वीडियो में बताई गई आपको पांचों ट्रिक अपने अकाउंट पर अप्लाई करनी है, तभी आप इस प्रॉब्लम को फिक्स कर पाओगे। तो गाइस फॉर एग्जांपल, यहां पर मैं सबसे ऊपर की तरफ स्टोरी का ऑप्शन मिल जाता है, हम सिंपल इस पे क्लिक करेंगे एंड यहां से मैं कोई भी स्टोरी यहां पर शूट कर लेता हूं, या फिर आप गैलरी से भी ऐड कर सकते हो। आप जैसे कि देख सकते हो यहां पर मैं इसको स्टोरी को शूट कर लेता हूं, ठीक है। यहां पर हम ओके पर क्लिक कर देंगे एंड यहां पर ये स्टोरी शूट कर लेते हैं। अब गाइस जैसे हम यहां पर स्टिकर वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं एंड यहां पर हम म्यूजिक पे क्लिक करते हैं, तो गाइस जैसा कि आप देखते हो यहां पर फॉर यू में यहां पर सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश सॉन्ग आ रहे हैं। अगर यहां पर मैं हिंदी सॉन्ग सर्च करता हूं ना, तो यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं सबसे पहले, ठीक है। जैसे हम हिंदी सॉन्ग सर्च करते हैं ना, हिंदी सॉन्ग, अब देखिए यहां पर मतलब कोई भी सॉन्ग नहीं आ रहा, यानी कि यहां पर मतलब जो सॉन्ग आ जाते हैं मतलब बहुत सारे सॉन्ग आ जाते हैं। एंड यहां पर अगर हम हिंदी ना सर्च करके पंजाबी सर्च करते हैं, तो यहां पर जो है ना आपको पंजाबी देखने के लिए नहीं मिलेंगे, पंजाबी सॉन्ग सर्च करते हैं। आप देखो नो रिजल्ट फाउंड, ठीक है। आपके साथ भी प्रॉब्लम आ रही होगी, लेकिन मैं इस प्रॉब्लम को इस वीडियो में फिक्स करने वाला हूं, ठीक है। अब आप इसको फिक्स कैसे कर सकते हो, बात करते हैं सबसे पहले ट्रिक की, ठीक है। तो मैं इसको बैक कर देता हूं एंड यहां पर मैं इसको पूरा क्लोज कर देता हूं इंस्टाग्राम को, ठीक है। तो गाइस इसको सही करने के लिए सबसे पहले ट्रिक ये है कि आपको इंस्टाग्राम पर टैप और होल्ड करके रखना है। जैसे आप इस पर टैप और होल्ड करके रखेंगे, उसके बाद यहां पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहां पर आपको ऐप इन्फो का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको सिंपल इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक कर देंगे, उसके बाद यहां पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब गाइस यहां पर आपको करना क्या, भाई आपको सिंपली नीचे की तरफ आना है एंड यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्टोरेज एंड कैसे, ठीक है। आपको सिंपल इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक कर देंगे, उसके बाद यहां पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, क्लियर कैसे, क्लियर स्टोरेज, ठीक है। अब यहां पर हो सकता है कि आपके फोन में मतलब कुछ इस तरह से शो कर रहा हो क्लियर डाटा, क्लियर कैसे। आपने मतलब काफी सारी वीडियो में ये चीज देखी होगी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप चाहो इस ट्रिक को भी मतलब यूज करके देख सकते हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें यहां पर जो ना मतलब बहुत सारी कैसे हो जाती है, आपकी इकट्ठी हो जाती है। आप यहां पर सिंपली क्लियर कैसे कर देंगे, जैसे आप इसको कर देते हो ना, इससे जो ना मतलब काफी बग ऐसे होते हैं इंस्टाग्राम के जो कि भाग जाते हैं, आपके इंस्टाग्राम अकाउंट से हट जाते हैं, ठीक है। तो आप क्लियर कैसे भी करके देख सकते हो। अगर आपको लगता है कि यहां पर हमने क्लियर कैसे कर दिया लेकिन फिर भी हमारी ये प्रॉब्लम सही नहीं हुई है, तो भाई इस कंडीशन में आप क्लियर स्टोरेज भी कर सकते हो, यानी कि क्लियर डाटा भी कर सकते हो। बट यहां पर आपको ध्यान रहे, क्लियर डाटा करने से पहले सबसे पहले आपको अपना आईडी और पासवर्ड नोट करके रख लेना है, यानी कि यहां पर आपको अपना आईडी पासवर्ड याद होना चाहिए। अगर आपको आपका आईडी पासवर्ड याद नहीं होगा, तो भाई ऐसे में आप अपने आईडी को लॉगिन नहीं कर पाओगे, क्योंकि क्लियर स्टोरेज करने से या फिर क्लियर डाटा करने से आपकी ड्राफ्ट की वीडियो भी उठ जाती है एंड साथ ही भाई आपका जो है ना जो आईडी होती है वो आपकी वहां से हट जाती है, ठीक है। तो ऐसे में आप जब भी क्लियर डाटा या फिर क्लियर स्टोरेज करो, आपको सबसे पहले अपनी आईडी को रिकवर कर लेना है या फिर आपको अपना पासवर्ड रिसेट कर लेना है, ठीक है। ये जी आप समझिए, अगर ये करने के बाद भी आपकी प्रॉब्लम सोल्व नहीं होती है, तो कहीं आपको करना क्या, आपको सिंपली इंस्टाग्राम को जो मैं चीज बोल रहा हूँ आपको मतलब ये ट्रिक अप्लाई करनी है 100%, इससे जो है ना आपकी प्रॉब्लम फिक्स हो सकती है। गई तो आपको करना क्या, आपको सिंपली इसको इंस्टॉल कर देना है। जी हाँ, यहाँ पर आपको इंस्टॉल कर देना है। अनइंस्टॉल करने के बाद दोबारा इंस्टॉल करना है इंस्टाग्राम को, ठीक है। जैसे ही आप अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करोगे, उसके बाद यहाँ पर जो है ना आपका बिल्कुल नया इंस्टाग्राम ऐप होता है एंड उसके अंदर जैसे आप दोबारा से आईडी को लॉग इन करोगे, आपकी प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी। अगर आपकी फिर भी नहीं होती है, तो इस कंडीशन में आपको करना क्या, आपको सिंपल इसको बैक कर देना है एंड गाइस यहाँ पर आपको इंस्टाग्राम पर आ जाना है। जैसे आप इंस्टाग्राम पर आ जाएंगे, अब गाइस यहाँ पर आपको करना क्या, यहाँ पर आपको दोबारा से स्टोरी लगाने के लिए जाना है, यानी कि यहाँ पर आपको प्लस आइकन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक कर देंगे, उसके बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आप स्टोरी ऐड कर लेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं स्टोरी ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने स्टोरी ऐड कर ली है। इसके बाद गाइस यहाँ पर आपको करना क्या भाई, आपको सिंपली स्टिकर पर क्लिक कर देना है एंड यहाँ पर आपको म्यूजिक पर क्लिक कर देना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको सर्च करना है हिंदी सॉन्ग, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं हिंदी सॉन्ग सर्च कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने सर्च किया हिंदी सॉन्ग। अब जैसा कि आप देखते हो यहाँ पर सिर्फ एक सॉन्ग यहाँ पर शो कर रहा है एंड ये भी मतलब इंग्लिश में मिक्स होगा या फिर यहाँ पर जो है ना ये मतलब कुछ और ही होगा, ठीक है। अब गाइस जैसे आप ये सर्च कर दोगे, यहाँ पर जो है ना आपके सामने हिंदी सॉन्ग नहीं आएगा।
जाएंगे। अब आपको करना क्या भाई, आपको सिंपली अपने फोन को इस तरह से शेक करना है। स्टोरी में आने के बाद यहाँ पर आपको शेक करना है, फोन को हिलाना है एंड उसके बाद यहाँ पर आपके सामने रिपोर्टेड प्रॉब्लम आ जाएगा। ठीक है, आपको करना क्या भाई, आपको सिंपली रिपोर्टेड प्रॉब्लम पर क्लिक कर देना। जिस पर क्लिक कर देंगे उसके बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस जाएगा। अब यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, सबसे पहला है इंक्लूड एंड कंटिन्यू, दूसरा है डोंट इंक्लूड एंड कंटिन्यू। तो आपको जो ऊपर वाला है ना, आपको सिंपली उसी पर क्लिक कर देना है। जैसे आप उस पर क्लिक कर देंगे उसके बाद यहाँ पर ऑटोमेटिकली स्क्रीनशॉट ले लेता है। जैसे कि मैंने आपको बोला था, जो भी आपकी प्रॉब्लम होती है अगर आप मतलब सेक करते हो उस प्रॉब्लम पर जाकर, तो ये उसका स्क्रीनशॉट ले लेता है, जिससे इंस्टाग्राम टीम को पता चल जाता है कि हाँ इस बंदे के अकाउंट में ये प्रॉब्लम है। ठीक है, तो आपको ध्यान रहे भाई, आपको मतलब सेक कर लेना है स्टोरी में जाके। ठीक है, जैसे आप सेक कर लेंगे उसके बाद अगर यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ कुछ लिखना होता है, यानी कि यहाँ पर आपको इंस्टाग्राम को बताना होता है, एक्सप्लेन करना होता है कि भाई हमारे इंस्टाग्राम ऐप में ये प्रॉब्लम आ रही है, ये दिक्कत आ रही है, आप इसको फिक्स कर दो। एंड वहां पर जो है ना, मतलब कुछ ही घंटे के बाद या फिर आप बोल सकते हो विद इन 24 आवर आपकी प्रॉब्लम सोल्व कर दी जाती है। वैसे मैं इसके बाद आपको दो और ट्रिक बताऊंगा, उससे जो है ना 100% गारंटी के साथ आपकी प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी। सबसे पहले यहाँ पर आपको रिपोर्ट भी कर देनी है। अब गाइस यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ एंड ये चीज आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रही होगी, अगर आप चाहो तो स्क्रीन शॉट भी ले सकते हो। यहाँ पर मैंने लिखा है, हाई इंस्टाग्राम टीम, आई हैव अपडेटेड माई एप्लीकेशन एंड डन एवरी पॉसिबल थिंग टू गेट बॉलीवुड एंड पंजाबी सॉन्ग। कुल मिलाकर यहाँ पर मैंने ये लिखा है कि भाई हमारे मतलब जैसे हम स्टोरी वगैरह ऐड करते हैं ना, तो वहाँ पर जो है हिंदी या फिर पंजाबी सॉन्ग नहीं शो कर रहे हैं। ठीक है, तो आप इसको मतलब जल्द से जल्द फिक्स कर दो, मतलब ये सब लिखा है। आप चाहो उसका स्क्रीन शॉट भी ले सकते हो या फिर यहाँ पर आप इसको देखकर सेम चीज लिख सकते हो। ठीक है, एंड इतना लिखने के बाद यहाँ पर इसने ऑलरेडी स्क्रीन शॉट ले लिया है एंड यहाँ पर आपको सेंड कर देना। जिसे आप सेंड कर देंगे इंस्टाग्राम टीम के पास, आपकी रिपोर्ट चली जाएगी। अब यहाँ पर आपको वेट करना होता है, विद इन 24 आवर आपकी प्रॉब्लम सोल्व कर दी जाती है। अगर आपकी प्रॉब्लम फिर भी सोल्व नहीं होती है तो भाई मैं आपको बता दूँ इसका रामबाण इलाज क्या है, 100% भाई आप इसको मतलब फिक्स कर ही लोगे। ठीक है गाइस, आपको करना है क्या भाई, आपको सिंपली प्रोफाइल पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको थ्री लाइन पे क्लिक करना है, सेटिंग में आना है। सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर आपको बिजनेस टूल एंड कंट्रोल पे क्लिक करना है। जिसे आप इसे क्लिक कर देंगे उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे की तरफ आना है, स्विच अकाउंट टाइप पे क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपको स्विच टू क्रिएटर अकाउंट कर लेना है। अगर आपका बिजनेस अकाउंट होगा तो भाई बिल्कुल भी आपके उस अकाउंट पर मतलब जो इंग्लिश सॉन्ग है ना, इंग्लिश सॉन्ग ही शो करेंगे, हिंदी सॉन्ग नहीं आएंगे और ना ही मतलब पंजाबी सॉन्ग आएंगे। क्योंकि जो बिजनेस अकाउंट होता है ना, वो बिजनेस के लिए ही होता है, कुछ बेचने के लिए ही होता है, यानी कि अपना बिजनेस करने के लिए होता है। तो आपको ध्यान रहे, आपको अपना अकाउंट क्रिएटर में कर लेना। जिसे आप क्रिएटर में कर लेंगे, अगर आपको मतलब क्रिएटर में करने के बाद भी सॉन्ग नहीं आते हैं, इसके बाद एक और ट्रिक बची है, उससे तो 100% आ जाएंगे। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर आए हैं या नहीं। ठीक है, 100% इस ट्रिक से आपके आ जाएंगे। अगर आपके मतलब ऑलरेडी आपका क्रिएटर में स्विच है तो आप मतलब ये काम कर सकते हो। सबसे पहले आपको बिजनेस में करना है, बिजनेस में करने के बाद यहाँ पर आप 10 से 15 मिनट के बाद या फिर आप हैंड टू हैंड भी कर सकते हो, कुछ मिनट के बाद आपको स्विच टू क्रिएटर अकाउंट कर देना है, यानी कि आपको क्रिएटर में स्विच कर लेना है। उसके बाद आपकी प्रॉब्लम फिक्स कर दी जाती है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं पहले सेकंड पे क्लिक करता हूँ एंड उसके बाद यहाँ पर हम स्टोरी में आते हैं। स्टोरी में आने के बाद यहाँ पर हम स्टोरी शूट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने स्टोरी शूट कर ली है एंड भाई यहाँ पर हम देख सकते हो, यहाँ पर मैं स्टिकर पे क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पर हम म्यूजिक पे क्लिक करते हैं। म्यूजिक पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम सर्च करते हैं हिंदी सॉन्ग। जैसे कि आप यहाँ पर हम जैसे हिंदी सॉन्ग सर्च करेंगे, आप यहाँ पर देख लो भाई, लाइव देख लो। ठीक है, यहाँ पर सभी सॉन्ग आ चुके हैं जितने भी हिंदी सॉन्ग हैं। अगर यहाँ पर मैं पंजाबी सॉन्ग सर्च करूँ भाई, पंजाबी आ जाएंगे, मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ पर आएंगे नहीं। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ पंजाबी सॉन्ग, देख सकते हो यहाँ पर मैंने पंजाबी सॉन्ग सर्च किया, भाई आ गए पंजाबी सॉन्ग भी। ठीक है, अगर क्रिएटर में करने के बाद भी आपकी प्रॉब्लम फिक्स नहीं हो रही है, नहीं आ रहे हैं, मैं आपको बता दूँ इसका रामबाण इलाज क्या है, 100% भाई इस ट्रिक से तो आ जाएंगे। क्योंकि अगर आपके साथ ऐसा हुआ है ना कि भाई आपके अकाउंट में पहले मतलब हिंदी सॉन्ग आ रहे थे, पंजाबी सॉन्ग आ रहे थे, लेकिन अभी मतलब अचानक से आपके अकाउंट पर पंजाबी या फिर हिंदी सॉन्ग आना बंद हो गया स्टोरी पर एंड साथ ही आपका अकाउंट क्रिएटर में भी सी बीच है, आपने रिपोर्ट भी कर दी फिर भी नहीं आ रहे, तो इसका मतलब है कि इंस्टाग्राम ऐप आपने अपडेट किया होगा। आए दिन इंस्टाग्राम पर नए नए अपडेट आते रहते हैं और सही भी अपडेट करना, लेकिन काफ़ी अपडेट ऐसे होते हैं जिनमें मतलब कुछ ना कुछ बग होता है या फिर आपके इंस्टाग्राम ऐप से कई सारे फीचर हटा दिए जाते हैं, जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है। तो इस कंडीशन में आपको करना क्या भाई, सबसे पहले चीजिए आपको सिंपली गूगल पे आ जाना। जैसे आप गूगल पे आ जाएंगे उसके बाद यहाँ पर आपको सर्च बार में आना है एंड गाइस यहाँ पर आपको करना क्या भाई, यहाँ पर आपको सिंपली इंस्टाग्राम लिखना है। ठीक है, जिससे आप यहाँ पर इंस्टाग्राम लिख दोगे उसके बाद यहाँ पर आपको इंस्टाग्राम ओल्ड वर्जन लिख के सर्च कर देना है। गाइस जैसे आप इंस्टाग्राम ओल्ड वर्जन सर्च कर दोगे उसके बाद यहाँ पर आपको फर्स्ट वेबसाइट पर क्लिक कर देना है एंड यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको करना क्या भाई, यहाँ पर आपको नीचे की तरफ है एंड यहां पर आपको काफी सारे वर्जन मिल जाएंगे एंड ये वर्जन मतलब कि कुछ ही दिन पुराने होते हैं। ठीक है, अब यहां पर आपको जो सबसे ऊपर वाला है ना, टॉप वाला, आपको सिंपली इसको डाउनलोड कर लेना है। इस पे क्लिक करेंगे, जैसे आप इस पे क्लिक कर देंगे डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे एंड इसको इंस्टॉल कर लेंगे। लेकिन यहां पर आपको ध्यान रहे, इंस्टॉल करने से पहले जो आपके फोन में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है उसको आप सबसे पहले अनइंस्टॉल कर देंगे, डिलीट कर देंगे। उसके बाद भाई आप इसको जो आपने डाउनलोड किया
जाए तब आप इसको इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। इंस्टॉल करने के बाद आप इसमें अपने आईडी लॉगिन कर लेंगे। ये भी इंस्टाग्राम का ओरिजिनल ही ऐप है, मतलब कि इंस्टाग्राम ही है ओरिजिनल ऐप है। ऐसा नहीं है कि भाई इसमें आपका अकाउंट हैक हो जाएगा। मैं खुद यूज करता हूँ, जबकि मेरे अकाउंट तो भाई एक पर 1 लाख फॉलोअर है, सेकंड पर भी 1 लाख फॉलोअर है। काफी सारे अकाउंट जो अच्छा खासा ग्रो कर रहे हैं, जिनसे हम पैसा भी कमाते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भी इंस्टाग्राम के ओरिजिनल वर्जन ही होते हैं। एंड कुछ दिन के बाद ये चीज आपको बताइए, जैसे आप रिपोर्ट वगैरह कर दोगे ना, ऐसे में कई सारे बंदे कर रहे होते हैं। इंस्टाग्राम का कुछ दिन के बाद नया अपडेट आएगा एंड आप उसको अपडेट कर लोगे, ठीक है। अपडेट करने के बाद आपका इंस्टाग्राम ऐप अपडेट हो जाएगा, यानी कि वो जो है ना ओरिजिनल वर्जन में बदल जाएगा, ठीक है। तो गाइस जो ट्रिक मैंने आपको इस वीडियो में बताई ना भाई, यही सब ट्रिक है जिन ट्रिक से आप अपनी स्टोरी को सही कर सकते हो। अपनी स्टोरी में हिंदी सॉन्ग ला सकते हो, फिर पंजाबी सॉन्ग ला सकते हो। सो आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको अपने इंस्टाग्राम अकाउंट की स्टोरी पर हिंदी सॉन्ग लाने हैं, फिर पंजाबी सॉन्ग लाने हैं। सब कुछ मैंने आपको इस वीडियो में सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की। अगर आपके दिमाग में अभी कोई डाउट है, फिर आपको इंस्टाग्राम को लेकर कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।